कल हमने की थी 7th भी, अब तो क्वेश्चन नंबर 15, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे पास 5 रुपीज के कितने 5 नोट्स है, 5 रिस के नोट है, कितने 5 रुपए के 5 नोट है, तो कितने रुपीज है मेरे पास? अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 25 रुपीज है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 रुपीज के 5 नोट्स है तो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, 50 रुपीज है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 रुपीज के 7 नोट्स है तो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 रुपीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जितने का नोट है और जितने नोट है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में रुपीज बन जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इस बात को मन में रखना है ध्यान से, क्या जितने रुपीज का हमारे पास नोट है और जितने नोट है मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मेरे पास 5 रुपए के 5 नोट है, दो तरह से कर सकते हैं, 5 5 5 5 5, फिर इनको सबको जोड़ो, या तो ऐसा हो सकता है, या दूसरी तरह से कैसा हो सकता है, 5 × 5 25 रुपीज है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने नोट है जितने रुपए, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या कहा, एक आदमी के पास 500 रुपए, कितने रुपए हैं 500 रुपए, टोटल कितने है उसके पास, उसके पास 500 रुपीज, ठीक है। कौन कौन से रुपीज है उसके पास, 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले नोट है, ठीक है। 500 रुपए में 5 रुपए के भी नोट है और 10 रुपए के भी नोट है, ठीक है। टोटल नोट कितने हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, टोटल नोट्स कितने हैं, अब ये मत कहना 90, तीन की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये 500 के नोट नहीं है हमारे पास, 500 रुपीज है टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 90, जिसमें 5 रुपए वाले भी और 10 रुपए वाले भी। तो अगर मैं 5 रुपीज रुपीज 5 नोट को x मानते हैं, तो 10 रुपए वाले कितने नोट हुए मेरे पास, जैसे हमने कल किया था, 90 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 90 नोट है टोटल हमारे पास, 5 रुपए वाले x है तो 10 रुपए वाले कितने हुए, 90 माइनस x, ठीक है। 10 रुपए वाले हो गए 90 माइनस x, ठीक है। अब अगर मुझे इन्हें रुपीज बनाना है दोनों को, कौन कौन से नोट है मेरे पास, 5 रुपए वाले कितने x, तो मुझे रुपीज बनाना है, जैसे हमने पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया, अगर 5 रुपए वाले 5 नोट है तो 5 5 25, अब 5 रुपए वाले कितने नोट है मेरे पास x, तो मैं क्या करूंगा 5 × x, 5 × x रुपीज बन गए, ठीक है। प्लस 10 रुपए वाले कितने नोट है 90 माइनस x, इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 90 - x। ये तो है 5 रुपए वाले नोट कितने रुपीज है टोटल रुपीज, और ये 10 रुपए वाले नोट कितने हैं हमारे पास, कितने रुपीज है, ठीक है। और टोटल रुपीज कितने हैं 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स में, 500 रुपीज है, टोटल रुपीज कितने 500 रुपीज। हमने 5 रुपए वाले नोट की मल्टीप्लाई किसमें की, जितने भी नोट है नंबर ऑफ नोट्स में, 10 रुपए वाले कितने में मल्टीप्लाई की, जितने भी नोट्स हमने माने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x 5x प्लस 10 900 900 - 10x = 500, ठीक है। 5x - 10x - 5x आ जाएंगे = 500 - 900, तो -5x = -400 - 10x = 400/5, 5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। तो 5 रुपए वाले तो कितने नोट है मेरे पास, 80 नोट है, ठीक है। और 10 रुपए वाले कितने हैं, 90 - 80 यानी कि 10 नोट है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5 रुपए वाले कितने हैं, 80 नोट है, तो 5 × 80 400 रुपए तो है मेरे पे 5-5 के नोट रुपए, ठीक है। और 10 रुपए वाले कितने नोट निकले मेरे पास, 10, तो कितने हो गए 100 रुपीज, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने 500 रुपए, आई बात समझ में।
आगे नहीं बात समझ में। 5 रुपए वाले नोट को मान लिया हमने एक्स, टोटल कितने हैं 90, तो दूसरे कितने होंगे 90 - x, ठीक है। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सुमित्रा हैज, अब सुमित्रा है लड़की, 17 क्वेश्चन है, उसने भी ऐसे ही है, देखना एक बार। सुमित्रा हैज 34 रुपीज, टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास, टोटल रुपीज कितने हैं सुमित्रा के पास, 34 रुपीज, ठीक है। अब ये क्या कह रही है सुमित्रा, सुमित्रा के पास 50 पैसे वाले भी हैं और 25 पैसे वाले भी हैं। देखो यहाँ रुपीज की बात नहीं है, यहाँ पैसों की बात हो गई, तो रुपीज को हम किस में चेंज कर लेंगे, पैसे में। 34 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 34 × 100, यानी कि 3400 पैसे, ठीक है, पैसों में चेंज कर लिया, 3400 पैसे है उसके पास। अब कौन कौन से है, 50 पैसे भी है और 25 पैसे वाले भी, एक 50 पैसे वाला कोई ना और 25 पैसे वाला कोई ना, तो हम मान लेंगे 50 पैसे कॉइन कितने हैं उसके पास, एक्स है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, अगर ये एक्स है तो 25 पैसे वाले कितने हैं उसके पास, कॉइन कितने होंगे। अब उसने टोटल कॉइन तो दिए नहीं हमें, जो हम माइनस करके लिख दे, यहाँ तो हमें टोटल नोट्स दिए थे, है ना, तो हमने एक को एक्स माना था, दूसरों को टोटल माइनस एक्स मान लिया था, 90 - x। यहाँ पे क्या कहा, 50 पैसे वाले तो एक्स है और 25 पैसे वाले हैं डबल, ट्वाइस यानी कि 2x, ठीक है। फिर से पैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 50 × x प्लस 25 × 2x इक्वल्स टू, टोटल पैसे कितने हैं 3400, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन हमारा, 18 क्वेश्चन में कह रहा है ये, राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी इन 2:3, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। राजू इज 19 ईयर यंगर, यंगर मतलब छोटा है, हिज कजिन, तो कजिन की एज मान लेते हैं एक्स, तो राजू की कितनी हो जाएगी, x - 19, ठीक है, आफ्टर फाइव ईयर है, बिफोर 5 ईयर, हाँ आफ्टर 5 ईयर। अब जो 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, कजिन की तो हो जाएगी, जो भी एज थी उसमें 5 साल और ऐड हो जाएंगे, और राजू की एज हो जाएगी x - 19 + 5, यानी कि x - 14, दोनों की एज आ गई। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है दोनों की एज का अब जो है रेशियो है 2:3, तो जब रेशियो की बात आती है तो अपॉन में लिख लेते हैं, x + 5 / x - 14, जो रेशो है वो ऐसे है, राजू रेशो कशिन, तो राजू की है x - 14 और कजिन की है x + 5, यानी कि 2:3, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे। अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, 19 फादर और सन, कितने फर्क है इनमें, दोनों में डिफरेंस कितना है 30 ईयर का, तो सन की अगर एक्स है तो फादर की भी होगी x + 30, ठीक है।
इन 12 इयर्स द मैन विल बी, यानी कि 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर, ठीक है। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 12 ईयर बाद, 12 ऐड हो जाएंगे, x प्लस 30 प्लस 12, यानी कि x प्लस 42, ठीक है। सन की कितनी हो जाएगी, x प्लस 12, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 12 साल बाद, हमारे हिसाब से तो इतनी हो गई, उसके हिसाब से क्या है, उसने क्या कंडीशन दी, द मैन विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही सन, मैन की जो एज है वो बेटे की एज से कितनी रह जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो किसकी होगी 3 गुनी, इसकी। तो मल्टीप्लाई किसमें करें, इसमें करें मल्टीप्लाई या इसमें करें, देखो प्लस और मल्टीप्लाई तो होता है हमारे छोटे वाले में, और माइनस और डिवाइड होते हैं हमेशा बड़े वाले, ठीक है। अब हमारे पर डिपेंड करता है यहाँ छोटा कौन है, बेटा छोटा है या फादर छोटा है, पापा छोटा है ना, सॉरी बेटा छोटा है ना, तो बेटे की एज का 3 टाइम, अगर बेटे की एज में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों की क्या हो जाएगी, एज इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, फादर एज इक्वल है किसके, 3 टाइम सन एज, ठीक है। तो फादर एज कितनी है, x प्लस 42 एक वर्ष, तो सन की एज कितनी है, 3 मल्टीप्लाई सन एज x प्लस 12, दोनों अलग अलग है तो मिलके, तो दो वैल्यू एक साथ होती तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो x प्लस 42 3x 36, ठीक है। ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये उधर माइनस में चला जाएगा, x माइनस 3x इक्वल टू 36 माइनस 42, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी 3 है। बेटे की एज कितनी थी उस टाइम, 3 है, और पापा की 3 प्लस 30 यानी कि 30, ठीक है, 30 साल ज्यादा थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब करते हैं द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन रेशियो 5:7। क्वेश्चन नंबर 20, कौन कौन है, सोनल और मनोज, सोनल मनोज, क्या रेशो है इनकी एज का, 7:5। जब रेशो देते तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स के साथ में लिख लेते हैं, इसकी 7x है, इसकी 5x, ठीक है, यानी सोनल बड़ी है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 10 ईयर हैंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी, यानी 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या होगी इनकी एज, सोनल की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 10, ठीक है, और मनोज की कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 10, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 10 साल बाद हमारे हिसाब से कितनी हो जाएगी, बट उसने क्या कहा, उसने रेशो दे दिया, क्या रेशो दिया, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7, 7x प्लस 10 अपॉन 5x, जब रेशो देता है तो हम अपॉन में लिखते हैं, इक्वल टू 9:7। ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 21 में कहा है 5 years ago अ मैन वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज ही सन, क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो आदमी था उसकी एज 7 टाइम थी उसके बेटे से, सन की एज अगर एक्स थी तो फादर की कितनी थी, 7, आज की बात है 5 साल पहले की बात है, यानी अब से 5 साल पहले, ठीक है, अब से करंटली है ये बिफोर की एज है, ये पास्ट की एज है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी अब उनकी एज क्या होगी,
अब उनकी एज हो गई होगी x प्लस 5 और 7x प्लस 5, ये 5 साल पहले की एज बताई थी, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब 5 साल हो चुके हैं, आगे क्या क्या कह रहा है, 5 ईयर हैंस, यहाँ से 5 साल बाद। अब यहाँ से तो 5 साल हो गए, बट वहां से कितने हो गए, ये अब से 5 साल पहले की एज ये है, और अब से 5 साल पहले की एज क्या होगी, अब से 5 साल पहले की एज ये है, अब से 5 साल बाद की एज क्या होगी, 5 साल तो ये बढ़ गए और 5 साल और बढ़ जाएंगे, कितने साल बढ़ जाएंगे, 10 साल। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर क्या 10 ईयर, आने बात समझ में, ये 5 साल पहले की है, 5 की बात कर रहे हैं आपकी नहीं, अब तो 5 साल हो चुके, अब से 5 साल बाद 10 साल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगी, सन की तो हो जाएगी एज x प्लस 10, और फादर की हो जाएगी 7x प्लस 10, ठीक है, क्या कह रहा है, और इसमें रेशियो दिया क्या कहा इसमें, द फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही सन, पिता की एज कितनी होगी, 3 टाइम होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई कितना करेंगे, सन की एज, ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो फादर एज इक्वल होगी 3 टाइम ऑफ सन, ठीक है, 10 साल बाद की बात करेंगे, उस एज से 10 साल बाद की बात, अब से 5 साल बाद की बात, ठीक है, फादर की एज कितनी है, 7x प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, आई बात समझ में, यहां कर लेते हैं 7x प्लस 10 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x प्लस 30, ठीक है, इधर माइनस में इधर माइनस में, 7x माइनस 3x इक्वल टू 30 माइनस 10, 7x और 3x 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 से कट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 5 ईयर, ठीक है, तो x कहाँ है, फादर पास्ट में उस टाइम 5 साल, अब से 5 साल पहले कितनी एज थी इसकी 5 ईयर, ठीक है, और फादर की कितनी एज थी 5 इंटू 7 यानी कि 35, 5 साल पहले एज थी उसकी 5 थी और इसकी 35, अब कितनी होगी, इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 40 हो जाएगी, ठीक है, 5 साल बाद कितनी होगी, अब से 5 साल बाद इसकी 15 हो जाएगी, इसकी 45 हो जाएगी, ठीक है, आई ना बात समझ में, क्या पूछा है इसने, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब की एज पूछ रहे हैं, ये तो 5 साल पहले की निकाली हमने, 5 थी, ठीक है, 5 साल पहले की एज है, अब की एज क्या होगी, इसमें 5 ऐड हो जाएंगे, करंट एज, करंट एजेस, तो सन की कितनी हो जाएगी, सन की हो जाएगी 5 प्लस 5 यानी कि 10 ईयर, अब की, ठीक है, क्योंकि ये एज उसने कब की दी थी, पास्ट की दी थी, 5 साल पहले की, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, अब कितनी होगी फादर की एज 35 प्लस, ठीक है, और अगर फ्यूचर की पूछता तो 5 5 और ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये कह रहा है आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, क्या कह रहा है ये, आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, मनोज की एज मान लेते हैं, अब की तो है एक्स, हम एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की 4 ईयर एगो लिखते हैं, 4 ईयर एगो कितनी होगी इसकी, एक्स माइनस 4, और आफ्टर 12 ईयर कितनी होगी इसकी, एक्स प्लस 12, देखो
करंट की एज ये है, ये पिछले 4 साल पहले की है और ये अब से 12 साल बाद की है। वही वाला सिस्टम है 5 साल वाला, 5 साल पहले की और 5 साल बाद की। 5 साल पहले की हो जाएगी -5 और 5 साल बाद की हो जाएगी +5। अब अगर 5 साल पहले से और अब की छोड़ दे और 5 साल बाद की का डिफरेंस दे तो कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एज आ गई, तीनों आ गई, बल्कि करंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो एंड मान, नहीं सॉरी, आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर एगो। इस वाली एज का 3 गुना हो जाएगा 12 साल बाद। ठीक है, तो आफ्टर एज इक्वल होगी 3 times ऑफ पास्ट एज। आई बात समझ में? वो कह रहा है जो 4 साल पहले उसकी जितनी एज थी x-4 थी, उसका 3 गुना हो जाएगा ये कब, 12 साल बाद। तो 12 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, x+12। तो ये जो x+12 है इसका 3 गुना है। ठीक है, तो आफ्टर एज कितनी है, x+12 = 3 × x-4। तो x+12 = 3x - 24, x-3x = -24 - 12, -2x = -36, x = -36/2 कट करेंगे क्या जाएगा 18। एक्स करंट एज कितनी है उसकी, 18 साल है। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं, करंट एज 18 साल, 4 साल पहले कितनी रही होगी, 18 - 4 यानी कि 14 ईयर। ठीक है, और 12 साल बाद कितनी हो गया हो जाएगी होगी इसकी एज, एक्स कितना है हमारा 18 + 12 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें हमने गड़बड़ कर दी भाई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, वो करते हैं। देखो 3 × 4 = 12 आएगा यहाँ पे, -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 24/2 यानी कि 12। ठीक है, ये गलत था, 12 - 4 यानी कि 8 और 12 + 12 = 24। देखो 4 साल पहले कितनी थी 8 और 12 साल बाद कितनी होगी 24, 8 × 3 = 24। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है इन्हें